नेक्स्ट ये है कि आपने जब उसको कर लिया है, मतलब क्या था लास्ट हमारा कि एयर से हमने उसे ड्राई किया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना, उन्होंने कहा टेम्परेचर हम लोगों ने पहले जो होता है ना हाई टेम्परेचर देना है, बाद में उसको लो करना है। 49 से 60 डिग्री सेल्सियस तक देना है, मैक्सिमम 65 डिग्री सेल्सियस, लेकिन उसके बाद ऐसा ऐसा उसको लो कर देना है। टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड 55 डिग्री सेल्सियस, से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं देख रही थी इसमें अल्लाह ताला का निज़ाम देखो कैसा इतना अच्छा है ना, कि मतलब सूर्य, अब देखो जो साइंटिस्ट बता रहे हैं कि ये होना चाहिए, ये केमिस्ट जिस तरह से वो बता रहे हैं, मतलब तो अल्लाह ताला ने कैसे सूरज एक दफ़ा जो है वो मतलब कहते हैं सवा नेज़े पर पहुँचता है, इतना हाई टेम्परेचर होता है, फिर उसके बाद कम कम कम, और शाम में क्या होता है इतना मतलब सुकून हो जाता है, टेम्परेचर लो हो जाता है कंपेरेटिवली जो दिन के टाइम से, तो खुद ब खुद ही मतलब इतना चेंज आया। नेक्स्ट बता रहे हैं कि ड्राइड फ्रूट्स और टेस्टी जो होते हैं, ड्राइड फ्रूट्स जो होते हैं टेस्टी होते हैं, न्यूट्रिशियस होते हैं, और बहुत सारी वेजिटेबल्स जो बोली हैं यहाँ पे, यम्स, पोटैटोज, बनानास, मैंगोज, टोमेटोज, ऑनियंस, कैरेट्स एंड बीन्स कैन बी ड्राइड एट होम, इन सबको घरों में ही ड्राई किया जा सकता है, और प्रोसेसिंग जूस और फ्रूट सिरप इस तरह की चीज़ें जो है इनके लिए जो प्रोफेशनल गाइडेंस चाहिए होती है, इनको कैसे प्रिजर्व करना है। ड्राइंग के लिए अब 4 मेथड हैं, सन ड्राइंग, सोलर ड्राइंग, फ्रीज ड्राइंग, ओवन ड्राइंग। सन ड्राइंग में मैंने पहले भी बता दिया कि हम लोग क्या करते हैं, सन मतलब उसकी रोशनी में, ठीक है ना, उसके ही जो है वो यूज़ होगी। अब यहाँ पे सन ड्राइंग है ना, इसमें होता है कहते हैं हाई शुगर और एसिड कंटेंट जो है ना, उससे क्या होता है, मेक देम सेफ टू डर्ट इन द सन, उनको सेफ रखना है, गंदे नहीं होने चाहिए। सन ड्राई वेजिटेबल्स और मीट्स जो हैं उनको हमने नहीं करना सन ड्राई। रीज़न इसकी क्या है, वेजिटेबल्स आर लो इन शुगर एंड एसिड एंड मीट्स आर हाई इन प्रोटीन, और इस वजह से माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है ज़्यादा होती है। मिनिमम टेम्परेचर 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। सन ड्राइंग जो होती है ना, इसमें बहुत दिन लगते हैं, और ह्यूमिडिटी जो है बिलो 60% होनी चाहिए। सोलर ड्राइंग में क्या है, इसमें बोल रहे हैं कि इसमें रिसेंट एफर्ट्स टू इम्प्रूव सन ड्राइंग हैव लेड टू सोलर ड्राइंग। इसमें सन को एज हीट सोर्स यूज़ करते हैं, और ये थोड़ा सा है कि फॉयल सरफेस भी यूज़ होगी इनसाइड द डिहाइड्रेटर, जो हमने कोई मशीन यूज़ करनी है, ठीक है। वेंटिलेशन स्पीड इसमें तो वेंटिलेशन स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है, स्पीड्स ऑफ द ड्राइंग टाइम जो टाइम को इंक्रीज जल्दी कर देती है, जल्दी जल्दी मतलब वेंटिलेशन से हो जाएगी वो ड्राई, और शॉर्टर ड्राइंग टाइम रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ फूड स्पॉयलेज और मोल्ड ग्रोथ, बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह नहीं होगी जब जल्दी जल्दी ड्राइंग होगी तो, सॉरी। फ्रीज ड्राइंग में क्या होगा, इसमें वो कह रहे हैं हम इसे लायोफिलिसेशन या क्रायोडेसिकेशन भी कहते हैं, इसे यूज़ करते हैं पेरिशेबल मटेरियल और मेक द मटेरियल मोर कन्वीनियंट फॉर ट्रांसपोर्ट, यानी कि कहीं लेके जाना हो तो उस तरह के मटेरियल को प्रिजर्व करने के लिए। फ्रीज ड्राइंग जो है ना, इसमें हमें फ्रीज ही करेंगे, मतलब पता चल रहा है इसमें बता रहे हैं, फ्रोजन वाटर में मटेरियल को रखते हैं टू सब्लिमेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड फेज टू गैस फेज, ठीक है। इस तरह से वाटर मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव किया जाता है फ़ौरन से। ओवन ड्राइंग में क्या होता है, ओवन ड्राइंग भी स्लोअर है डिहाइड्रेटर्स की निस्बत, क्यों, क्योंकि इसमें वो कह रहे हैं कि बिल्ट इन फैन नहीं होता इसमें, एयर मूवमेंट की मदद से मतलब नहीं कर सकते इसमें ड्राइंग, और 2 टाइम्स लॉन्गर टू ड्राई फूड इन ओवन देन इट डज इन अ डिहाइड्रेटर। डिहाइड्रेटर की मतलब इससे यानी डबल टाइम लगता है। इम्पोर्टेंस क्या है, वही आ गई फिर से, माइक्रोब्स की एलिमिनेशन, शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करना, सीजनल फ्रूट को अवेलेबल करना थ्रू आउट द ईयर, और वेराइटी, और टाइम और एनर्जी को सेव करना, और इसके अलावा और भी काफ़ी बेनिफिट्स हैं, ये मैं रोक रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वही वाले दोबारा से बस थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में।